नीतिवचन 3:11-20 तक। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं, वह धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकती है। मत्ती 19:16-30 तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पत्रस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। अय्यूब 8:1-22 तक। तब शूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा, और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी? क्या परमेश्वर अन्याय करता है, और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो, तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है, और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है, और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे, परंतु वह न ठहरेगा, वह उसे दृढ़ता से थामेगा, परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है, और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कंकरों के ढेर में लिपटी हुई रहती है, और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है। परंतु जब वह अपने स्थान पर से नष्ट किया जाए, तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा।
तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। अय्यूब 9:1-31 तक। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता, वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूँ और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूँ? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही न हो तो कौन है? मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान चले जाते हैं, या आयर पर झपटते हुए उकाब के समान। जो मैं कहूँ, मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा, तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ? चाहे मैं हिम में स्नान करूँ और अपने हाथ खार से निर्मल करूँ तो भी तू मुझे गढ़े में डाल ही देगा, और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे। अय्यूब 10:1-22 तक। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी हैं, और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान हैं, या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य हैं? कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेलकर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथकर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया कि तूने ऐसा ही करने की ठान ली थी। यदि मैं पाप करूँ तो तू उसका लेखा लेगा, और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय। यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह के समान मेरा आयर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी न पाता।
मेरा होना न होने के समान होता, और पेठी से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार।